नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली में आए थे और मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। वैसे मैंने एक शॉर्ट बनाई थी छोटी सी कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने तो हद ही कर दी। वो नीतीश कुमार सारा दिन यहाँ पर दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते रहे, और जबकि कोई लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, कोई ऐसा मौका नहीं था कि दिल्ली में ही सारे विपक्ष के नेता मौजूद हों, लेकिन जिन लोगों से दिल्ली में मुलाकात की जा सकती थी वो सब लोग दिल्ली में मौजूद थे। उन्होंने शुरुआत कर दी थी एक दिन पहले ही राहुल गांधी के साथ मुलाकात करके। राहुल गांधी अहमदाबाद से रैली करके सीधे उड़कर दिल्ली पहुंचे थे और उनके साथ उन्होंने शुरुआत कर दी थी शाम के समय मिलकर, यानी कि 5 सितंबर को वो मिल लिए थे। और 6 सितंबर को नीतीश कुमार ने बहुत सारे विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, और मैं वीडियो बनाने के लिए इंतज़ार इस बात का कर रहा था कि आखिरकार इन सब के बीच में तय क्या हुआ। अगर ये विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 2024 के लिए एक बड़ा धड़ा तैयार करें मोदी के सामने, तो इसका निष्कर्ष निकलकर क्या सामने आया? निष्कर्ष देर शाम आकर पता लगा, इसलिए मैंने वीडियो का इंतज़ार किया, वीडियो बनाने का, कि आपके सामने कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मैं पेश कर सकूँ। पहले नीतीश कुमार का जो दौरा था उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका नतीजा निकलकर सामने क्या आया। इसके डबल डिस्प्ले में चलना पड़ेगा। नीतीश कुमार दिल्ली पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पर लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री बनने नहीं, विपक्ष के नेताओं से मिलने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो पहुँचते हैं सीताराम येचुरी से मिलने, CPIM के कार्यालय पर, और उनसे मुलाकात करते हैं। और मीडिया से भी ये करते हैं, मीडिया से ये कहते हैं बाहर निकल कर के हमारी कोशिश है कि हम पूरे देश में जो भी स्थानीय पार्टी हैं वे एक साथ मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारी कोशिश ये हो रही है। इसके बाद वो चलते हैं आगे, फिर कहते हैं ओम प्रकाश चौटाला से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमारा बहुत पुराना संबंध है, उनके प्रति सम्मान का भाव है, और जब हम उन लोगों से अलग हो गए हैं तो उन्होंने फ़ोन कर कर कहा कि सब ठीक हो जाएगा। यानी कि बीजेपी से जब हम अलग हो गए तो चौटाला ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि चलो अब ठीक हो जाएगा, और यहाँ आए तो उनसे मिलने आ गए। इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के साथ भोजन भी किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात ये थी, अखिलेश यादव से मिले और मुलायम सिंह यादव का हाल पूछने गए। हॉस्पिटलाइज हैं वो, मेरे ख्याल में गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज हैं और वहाँ पर मिले। अब इस हालत में मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार की कितनी बात सुनी होगी ये तो समझ सकते हैं आप, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके चेहरे पर एक भाव था कि चलिए मैं सबसे मिल लिया। सीताराम येचुरी के साथ मिलने के बाद तो उन्होंने काफ़ी देर तक मीडिया के साथ बातचीत भी की, और उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर तैयार हुआ तो हम सब ये कर देंगे, वो कर देंगे। पूरी उन्होंने जितने भी तीर थे वो सारे के सारे उन्होंने छोड़े। और नीतीश कुमार ने इसके अलावा कुछ और लोगों से भी मुलाकात की, ये देखिए। ये HD कुमार स्वामी हैं, देवगोड़ा के बेटे, उनके साथ इन्होंने मुलाकात की। और कुमार स्वामी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कुमार स्वामी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसके साथ हैं, NDA के या UPA के साथ हैं। दूसरी ओर ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। यहाँ पर इनके साथ केसी त्यागी थे जो वेस्ट UP से आते हैं और JDU के बड़े नेता हैं, बिहार में जाकर बड़े नेता बन गए। वेस्ट UP में तो मेरठ से चुनाव लड़े थे, एक बार हार गए थे। और चौटाला जी अभी जेल से बाहर आए हैं, उनको गुलदस्ता देने के लिए, आपको याद होगा कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला था उसमें चौटाला लंबे समय तक अंदर रहे जेल में, और वहीं रहते रहते इन्होंने 10वीं क्लास भी पास कर ली थी, ये सब आप जानते होंगे। तो ऐसे महान नेता से मिलने के साथ इन्होंने अपना ये दौरा पूरा किया, और इनके साथ इन्होंने कल दोपहर का खाना भी खाया, जिसमें केसी त्यागी साथ में डिनर टेबल पर, लंच टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नजर आए। अब मैं आपको बताऊँगा कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब ये सबसे अंत में शायद मिले चौटाला से, और जब चौटाला से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि कुछ धमाकेदार हमें सर करना चाहिए। अब धमाकेदार क्या हो? चौटाला ने कहा चलिए साहब, मैं जेल से छूटकर आ गया हूँ इतने दिनों के बाद, मैं ही कुछ कर देता हूँ। और तय ये हुआ कि 25 सितंबर को फतेहाबाद है जो हरियाणा का, वहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जाए, और इसका आयोजन इंडियन नेशनल लोकदल करेगा। यानी कि यही इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला वाला है, इनके बेटे हैं अभय चौटाला हैं, और आपको पता होगा कि इनके दूसरे बेटा अजय चौटाला, उन्होंने जननायक जनता पार्टी बना ली है, जो दुष्यंत चौटाला जिनके बेटे हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला इनके पोते हैं, और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है हरियाणा में। तो इंडियन नेशनल लोकदल की जो ये रैली प्लान हुई है, ये 25 सितंबर को फतेहाबाद में होगी, और इसमें ये प्लान किया गया है कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, श्रोमणी अकाली दल के जो बड़े नेता हैं बुजुर्गवार प्रकाश सिंह बादल, मुलायम सिंह यादव तो हॉस्पिटल में आपको मैंने दिखाया है, पता नहीं कैसे जा पाएंगे, अखिलेश यादव आ जाएंगे उनकी जगह, और तेजस्वी यादव, इन सब लोगों को इसमें बुलाने की बात कही गई है। और केसी त्यागी ने ये बात मीडिया से बताई पटना में जाकर कि साहब हमारी इन सब से बात हो चुकी है और ये सब लोग इसमें आने के लिए सहमत हैं, और गुड़गांव में चौटाला साहब के रेजिडेंस पर ये सब चीज़ें फाइनल हुई हैं। दूसरी ओर कोशिश ये की जा रही है कि इसमें आम आदमी पार्टी को भी बुलाया जाए, टीआरएस केसीआर को बुलाया जाए, ममता बनर्जी को बुलाया जाए, ये सब चीज़ें इसमें की जाएँ। तो इस तरीके से ये एक निष्कर्ष नीतीश कुमार की जो यहाँ पर दौरा हुआ, उसका निष्कर्ष ये निकल कर सामने आया। हालांकि जिस समय ये सारा विपक्ष मिल रहा था, उसी समय बीजेपी ने एक बैठक बुलाई हुई थी दिल्ली में ही, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और सारे बड़े नेता भाग ले रहे थे 2024 के लिए प्लान करने के लिए। उस मीटिंग के बारे में ज़्यादा इनपुट्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन उस मीटिंग के बारे में इतना ज़रूर पता लगा है कि उसमें जेपी नड्डा और अमित शाह ने 2024 के लिए फ़िलहाल क्या ग्राउंड है, किन किन पार्टियों के साथ कहां कहां पर समझौता किया जा सकता है, किन राज्यों में क्या स्थिति है, अगले साल जहां चुनाव होने हैं, गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, इन सब चीज़ों पर समग्र चर्चा हुई। और ये भी तय किया गया कि जो केंद्रीय मंत्री हैं उन सब की गतिविधियाँ, जो केंद्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं या दूसरे राज्य मंत्री, उन सब की गतिविधियाँ उन राज्यों में बढ़ाई जाए जहाँ पर आने वाले साल में चुनाव होने हैं। आपको याद होगा अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण गई थी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में गई थी, हैदराबाद में, वहाँ उन्होंने एक अधिकारी को डांट फटकार की थी कि आप राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री का पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं। इसके अलावा और मंत्रियों को भेजा गया था, जयशंकर प्रसाद जो कभी फील्ड के नेता नहीं रहे हैं, केवल सीधे ब्यूरोक्रेसी से इसमें आ गए हैं और एक डिप्लोमेट रहे हैं, उन्हें सीधा का सीधा इसमें भेज दिया गया है, मंत्रालय दे दिया गया उन्हें, विदेश मंत्रालय। उन्हें भी केरल भेजा गया, सबको भेजा जा रहा है। पीयूष गोयल गए थे, धर्मेंद्र प्रधान गए हुए हैं घूमने के लिए, कई राज्यों में दौरा कर रहे हैं। तो सबके दौरे चल रहे हैं, सबको कह दिया गया है कि आपको बैठना नहीं है, आपको सब जगह चैनलाइज चीज़ों को करते रहना है। तो एक तरफ बीजेपी की ये प्लानिंग चल रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अब उसे लग रहा है कि 25 सितंबर को हम एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। हालाँकि हरियाणा में इस रैली का आयोजन इंडियन नेशनल लोकदल करेगा, और इसमें यह समझ में नहीं आया है अभी तक कि इसमें कांग्रेस का रुख क्या रहने वाला है, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें भाग लेंगे या नहीं, या फिर राहुल गांधी आएंगे या नहीं, ये बहुत तय करने वाली चीज़ है। लेकिन अभी 25 सितंबर में लगभग 17-18 दिन का समय है, उस तक का समय ले लिया गया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको बता दूं कि 25 सितंबर की डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि उस दिन स्वर्गीय देवीलाल का जन्मदिन है, और इस मौके पर चौटाला साहब जो उनके बेटे हैं वो एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं। और चूँकि लंबे समय बाद जेल से आए हैं, तो राजनीति का जो खून है वो तो जो जम जाता है वो तो उबाल मार ही रहा होगा, तो किसी ना किसी तरह का, क्योंकि हरियाणा का चुनाव तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा, तो उससे पहले तो लोकसभा चुनाव देखना है। तो नेता हैं, नेतागिरी से बाज कैसे आ सकता है? जेल से छूटकर आए हैं, तो उनके मन में ये हो रहा होगा कि यार कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो जाए। और इसी में नीतीश कुमार को फ्री फंड में एक विपक्ष की एकता दिखाने का, कि साहब देखिए मैं दिल्ली में आया हूँ और मैंने विपक्ष की रैली एक प्लान करा दीजिए, और करा दी है, और इसमें सारा विपक्ष एक होगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि टीआरएस, वाईएसआरसीपी, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, इन सब लोगों का अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये सब लोग इसमें भाग लेंगे या नहीं। उद्धव ठाकरे के बारे में कोई तय नहीं है, शरद पवार के बारे में कोई तय नहीं है कि उनका रुख क्या होगा, लेकिन इस रैली पर नज़र जरूर बनी रहेगी। तो नीतीश कुमार अब संतुष्ट हो सकते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री पद के दावे को भले ही मजबूत ना कर पाए हों, लेकिन विपक्ष की एक रैली तो उनके दिल्ली दौरे के बाद जन्मी है, चाहे वो किसी के ही खर्चे पे हो, खर्चा उसमें भले ही चौटाला साहब कर रहे हों। देखते हैं इस रैली में क्या होता है। इस रैली को लेकर तो आगे बहुत सारी खबरें आनी हैं, और 2024 के चुनाव को लेकर तो मैंने एक सीरीज ही चला दी है, कि आप देख रहे होंगे कि वार ऑफ 2024 ये सीरीज हमारी बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट इसकी तैयार है, बहुत सारे वीडियो मैंने इस पर बना दिए हैं। आप सबको देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये चेक कर लें कि आपने नोटिफिकेशन के लिए ऑल नोटिफिकेशंस पर जाकर बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, ताकि मेरे आप सारे के सारे अपडेट्स आपको समय से मिलते रहें। तो बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।